अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थार न्यूज़ यूट्यूब चैनल में कहते हैं आपको खुश आमदीदा। दोस्तों आज कराची से लेकर थरपारकर तक की पूरी सिंध के लिए खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, हमें कमेंट किया करें अपने इलाके की मौसम जानने के लिए। और उसी के साथ आपने अभी तक थार न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम नीचे लाल कलर में सब्सक्राइबर लिखा होगा वहाँ पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप इसके रिलेटेड बहुत से वीडियो आने हैं क्योंकि मानसून 2021 सिंध को करीब हो चुका है, सिंध के नज़दीक आ चुका है, पाकिस्तान के करीब आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वक्त बता दें कि मानसून 2021 इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के बीच वाले इलाके पर मौजूद है, जो कि बहुत ही अच्छी बारिशें बरसा रहा है। तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि मुंबई के शहर में मानसून 2021 ने तबाही मचा दी है, वो बारिशों का सिलसिला आस्ते आस्ते अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है। तो इस वक्त कराची से लेकर थरपारकर तक दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है आसमान बादलों पे छाया हुआ है। ये बादल आस्ते आस्ते ब्लैक कलर के बनते जा रहे हैं, ये नहीं बारिश वाले बादल बनते जा रहे हैं। तो ये जल्द ही सिंध के अंदर बारिशों का निज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो 15 जून से लेकर 22 जून तक वैसे भी बारिशों का बहुत ही ज़्यादा इम्कान सिंध के अंदर मौजूद है, और उसके अलावा दोस्तों 22 जून के बाद तो वैसे भी मानसून 2021 शुरू होने जा रहा है। तो आज की मौसम आपको बता दें, इस वक्त पूरा का पूरा आसमान बादलों से छाया हुआ है, हवा जो थी वो बिल्कुल अब जो उसकी रफ्तार बहुत ही कम हो चुकी है, आस्ते आस्ते कम होती जा रही है हवा की रफ्तार। कल परसों तो बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही थी, लेकिन आज जो हवा बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। कल परसों तक जो है ये आगे कल परसों तक ये हवा बिल्कुल बंद हो जाएगी और फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये बारिशें थरपारकर के अंदर पड़ेंगे ज़्यादातर, क्योंकि थर के लोग जो है वो बारिशों के बाद अपनी खेती बाड़ी जो है आबादी करते हैं, तो इसके लिए भी बारिशों का सिलसिला, तो थरपारकर वाले लोगों ने जो अपना बंदोबस्त शुरू कर दिया है, खेती बाड़ी की सफाई साफ़ सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि 20 जून के बाद और जुलाई तक या 15 जुलाई तक बारिशों जो है मानसून 2021 आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों जो है वो लोग जो है वो क्या करेंगे अपनी खेती बाड़ी शुरू करेंगे। तो ये थरपारकर के लिए बड़ी खुशखबरी, उसके साथ पूरी जो है सिंध के लिए खुशखबरी है कि बारिशें बहुत ही अच्छी है, इस तबाह मानसून 2021 बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग देखते रहें थार न्यूज़ यूट्यूब चैनल, हर टाइम की अपडेट आपको देते रहेंगे, इसीलिए देखते रहें थार।